हाइड्रा वर्सेस मायावी, दे आर एंटरिंग इनटू अ बैटल फॉर नाउ, जहां पे हाइड्रा के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं मायावी के प्लेयर को डाउन करने की, और एक नॉक निकाला भी गया जी। तो यहाँ पे मायावी के फिलहाल लेजिट को नॉकआउट कर दिया गया, लेकिन उनके पास वो हार्ड कवर्स थे। लेकिन अब लीजिए डुओरो का स्प्रे आता है, प्रो को भी किया जाएगा टेक डाउन। टीम हाइड्रा इस फाइट में एक अपर एंड निकालती हुई हमें देखने को मिल जाने वाली है। प्रो का कंफर्मेशन आ चुका है, लेजिट अभी के लिए डाउन। हाइड्रा शुरुआत अच्छी करी, लेजिट का भी कंफर्मेशन आया, डुओरो ने उनको जा करके नाइफ से एलिमिनेट करा, और मायावी की टीम काफी ज्यादा मुश्किल में फंसने वाली है। दे हैव लॉस्ट देयर टू प्लेयर्स, और वो दो प्लेयर्स दिक्कत देने वाली है। स्प्रे गॉड अपनी टीम को लीड करने वाले हैं, हालांकि है, बट अब स्प्रे गॉड वो कवर देंगे और बाकी के प्लेयर्स वो रश करने वाले हैं। ऋषभ अपनी गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, स्क्वाड हाउस के अंदर में डायरेक्ट स्लैमिंग करा गया, और अब वक्त है वो थ्रोएबल्स के इस्तेमाल करने का, और ऋषभ ने स्टार्ट कर दिया है, वो थ्रोएबल्स शुरू करने वाले हैं। मॉली इनकी साइपर को कनेक्ट होती है, साइपर काफी ज्यादा लो ऑन एचपी होते हुए नजर आ जाएंगे। स्टार वॉल का एक प्यारा सा नेड वहां पे साइपर को स्प्लैश डैमेज देगा और साइपर डाउन हो सकते हैं, बट एक्चुअल में वो ग्रेनेड सही ठिकाने पर गया नहीं। नेड्स करे जरूर जा रहे हैं, मॉलीज करे जरूर जा रहे हैं, एंड फाइनली डू और ओपी की वो मॉली कनेक्ट होती है, साइपर डाउन होते हैं, थंडर विल बी द सोलो वन टू सर्वाइव, और थ्रोएबल से ही इस फाइट को समाप्त किया जाएगा। एंड टीम हाइड्रा दे हैव एलिमिनेटेड मायावी की टीम, और इसी के साथ साथ टीम मायावी उनका एलिमिनेशन हमें 15वें स्थान पे देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल इस मुश्किल भरी नदी को जो है कैसे पार कर पाएंगे हाइड्रा, वो आज के दिन जो है कुछ भी सर्वाइवल नहीं करने देंगे। और इस समय जो है यहाँ पे टीम नंबर सिक्स के प्लेयर गिर अगर डाउन, बट उनके प्लेयर आ चुके हैं यहाँ पे, काफी बेहतरीन कवर अब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा टीम नंबर सिक्स के प्लेयर्स के द्वारा, एक बेहतरीन कवरेशन हमें देखने को मिलेगा। एंड देन ये कवरेशन टीम के मेन प्लेयर यानी इस समय कह सकते हैं कि टीएम लेजिट को जो है सर्वाइव करने देगी जी नहीं, हाइड्रा के प्लेयर्स यहाँ पे रुकना नहीं चाहते आज के दिन, वो ग्रेनेड करेंगे। एंड देन ये ग्रेनेड भी जो है पर कनेक्शन ढूंढ ही लेगा, इसके साथ जो है हमें स्पर्श ओपी आगे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एक सरप्राइज अटैक कर पाएंगे टीम नंबर सिक्स के लाइनअप के ऊपर, बट ये सरप्राइज अटैक उनको जो है संभल के करना पड़ेगा, प्लेयर स्पॉट कर चुके हैं हाइड्रा। स्पर्श क्या टेक डाउन किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस समय उनकी बैच काफी ज्यादा लीड देखने को मिलेगी, बट स्पर्श क्या बेहतरीन रिस्की मूव अपना रहे हैं भाई, वो काफी बेहतरीन रहेगा, व्हीकल के नीचे से डैमेज देना चाहते हैं, बट प्लेयर इस समय जो है हैंड पे देखने को मिलेंगे। एंड देन ये चीज उनको भी दिक्कतें दे सकती है, एंड देन स्पर्श को भी, इसके साथ स्प्रे गॉड उनका पूरा पूरा जो है साथ निभाएंगे। और ये साझेदारी के अंदर जो है टीम नंबर थ्री टीम हाइड्रा गॉट अ टीम नंबर सिक्स इनटू द हैंड, एंड देन इनके बीच जो है यहाँ पे काफी प्यारे तरीके से हाइड्रा की टीम विन करती हुई नजर आएगी इस फाइट को। एंड देन टीएमजी के लाइनअप के हाथों से जो है चिकन की दावेदारियां छीन चुके हैं। आने के बाद टीम्स को जो है एक तो काफी अच्छे जोन का इलाका मिल गया, पर यहां से जो हमको काफी टीम के द्वारा घेरा जाएगा, टीम नंबर 22 के प्लेयर नॉन ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन घेरे जा चुके थे, कोई भी इलाका मौजूद नहीं था, दैट्स व्हाई वो जस्ट ना ही आगे की तरफ बढ़ सके, ना ही उन्होंने अपने खिलाड़ी को भी खो दिया है, बाकी डीएससी के प्लेयर डिफॉल्ट। एंड देन साया एंड देन इस बीच जो है हाइड्रा वो वापस से नॉक को अपने नाम करना चाहेंगे, एरोबॉट इस बीच, जब तक शायद से हाइड्रा जिंदा है तो शायद ये मुश्किलें काफी बेहतरीन तरीके से मुश्किलें ही बनती हुई नजर आएंगी। पांच टीम आठ प्लेयर अभी भी कर रहे हैं सर्वाइवल, क्या हमें एक हीलिंग कर रहे थे, बट वापस से जो है टेक डाउन किए गए बाय द जोन। एंड देन इस बीच हाइड्रा भी जो है टीम नंबर एट के प्लेयर्स की प्राप्ति करने वाले थे, अब एक लास्ट खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पे, क्लैश से एक खिलाड़ी को पिक करेगा, पिक्सेलेशन भी काफी बेहतरीन तरीके से जो है काम कर रही है, दो लोग निकाले जा चुके हैं, बट इस बीच जो है जोन का डैमेज आया, पर शायद यहाँ पे जो है हाइड्रा एक बार फिर से जो है अपने मैच के अंदर काफी ज्यादा अग्रेशन के साथ देखने को मिले, बट माइंड गेम्स उनके द्वारा एक परफेक्टली खिलाए गए हाइड्रा के।